रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें जिंदगी जीने के लिए जरूरी होती हैं। और जब बात घर की हो तो ये हर किसी का सपना होता है, चाहे फिर वो आम आदमी हो या अमीर। हाल ही में घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी IBC में संशोधन वाले कानून को सही बताते हुए घर खरीदारों को वित्तीय कर्जदाता का मिला दर्जा बरकरार रखा है। इसका मतलब ये कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी खुद को दिवालिया घोषित करती है या होती है तो उसकी संपत्ति की नीलामी से हासिल पैसे में घर खरीदारों को भी हिस्सा मिलेगा। दरअसल पिछले साल संसद ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन कानून पास किया था, जिसमें घर खरीदार और निवेशकों को भी दिवालिया घोषित कंपनी का कर्जदाता माना गया। इसके बाद 200 रियल एस्टेट कंपनियों ने एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में कंपनियों ने संसद के संशोधन को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया था। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने IBC संशोधन को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद घर खरीदारों को भी लोन देने वाले बैंकों के साथ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा मिल गया है। इससे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में घर खरीदारों की सहमति की जरूरत होगी। इसके साथ ही घर खरीदारों को अधिकार मिल गया है कि वे कर्जदाताओं की कमेटी में अपना पक्ष रख सकें। इसके अलावा रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ दिवालिया घोषित करने का प्रस्ताव भी पेश कर सकेंगे। बिल्डर्स के दिवालिया होने पर अब नहीं डूबेगा घर खरीदारों का पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है, जहां कहीं भी रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट यानी रेरा और IBC की किसी धाराओं में आपसी विवाद की स्थिति पैदा होगी, वहां IBC के नियम मान्य होंगे। आपको बता दें कि अब तक के कानून के हिसाब से कर्जदाता वही होते थे जो बिल्डर या कंपनी को कर्ज देते थे। इससे मिले पैसों पर उनका हक होता था। इस पूरी प्रक्रिया में घर खरीदारों की कोई भूमिका नहीं होती थी, लेकिन अब घर खरीदारों को भी हक मिलेगा। अब घर खरीदारों को प्रोजेक्ट पूरा ना होने पर भी राहत मिलेगी। ऐसे मामले में उन्हें दिए गए बैंकों के बराबर अधिकार बरकरार रखा गया है। कोर्ट के फैसले के बाद घर खरीदार भी किसी बिल्डर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया की मांग कर सकते हैं। देश भर में कई रियल एस्टेट कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने लोगों को मकान देने का वादा तो किया, लेकिन बीच राह में हाथ खड़े कर दिए। ऐसी कंपनियां खुद को नुकसान में बताकर दिवालिया घोषित हो गईं। ऐसी स्थिति में कंपनियों और उनके मालिकों की संपत्ति जब्त की जाती है। पहले जब्त की गई संपत्ति का पूरा पैसा बैंकों को मिलता था, लेकिन अब घर खरीदने वाले लोगों को भी इसमें हिस्सा दिया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली के ग्राहकों को बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने आम्रपाली मामले में फैसला सुनाया कि अब NBCC घर बनाकर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी सुधार के उपायों पर एक हलफनामा दायर करने को कहा है। सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और अपील ट्रिब्यूनल के खाली पदों को जल्द भरे, ताकि काम सही ढंग से हो सके। कोर्ट ने कहा कि इस संशोधन से मकान ग्राहकों को एक और प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां वे रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ अपनी मुश्किलें रख सकते हैं। हालांकि बेंच ने कहा कि केवल वास्तविक खरीदार ही बिल्डर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जहां एक तरफ घर खरीदारों का पैसा सुरक्षित होगा, वहीं दूसरी तरफ रियल एस्टेट कंपनियों की धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी।